अपने देश में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, हमने देखा है कि पिछले कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी ने अपने देश में जब कोरोना के तहत लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन में केवल आरोग्य के बारे में सोचने की बजाय ये अंधेरे में पत्थर मारने का काम नरेंद्र मोदी ने अपने देश में किया है। किसानों के खिलाफ का कानून यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने केवल अपने देश के चंद उद्योगपतियों के भलाई के वास्ते यहाँ पे किसानों के विरोध का कानून लाया है। यहाँ पे किसानों के मालों को कोई प्रकार का हमी भाव भी डिक्लेयर नहीं किया है और जो उद्योगपतियों के खरीदी पे कोई पाबंदी नहीं है। इसका मतलब है आने वाले समय में ये उद्योगपति खेत में जाएंगे, गांव में जाएंगे, उनके मनमानी भाव से वहाँ पे अनाज खरीदी करेंगे और अनाज खरीदी करने के बाद ये अपने बड़े बड़े लाखों क्विंटल स्टोरेज के जो गोडाउन वो तैयार कर रहे हैं अपने देश में। हर बड़े बड़े स्टेट में इनके गोडाउन का काम शुरू है, वहाँ पे ये अनाज स्टोर करेंगे और आने वाले समय में इनके दिल में जो भाव है और महंगा भाव के तहत यहाँ गोर गरीबों को ये अनाज बेचेंगे। जो सरकार मार्केट कमेटी की तरफ से अनाज खरीदता है, उस मार्केट कमेटी के पूरे अधिकार ये नरेंद्र मोदी ने खारिज किए। इसका मतलब है कि अनाज मार्केट कमेटी में नहीं जाएंगे। जो सरकार वहां से खरीद के प्राधान्य योजना के तहत, शेतकरी योजना के तहत, अंत्योदय योजना के तहत गोर गरीबों को यहां पे आज तक देते आई है, उन गोर गरीबों का पालन पोषण करते आई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अगर मार्केट कमेटी में ही धान्य नहीं जाएगा तो सरकार कहाँ से खरीदी करेंगे और अन्न सुरक्षा कायदा के तहत ये कैसे लोगों को, गोर गरीबों को, मजदूरों को धान्य दे कहाँ से देंगे। इसका मतलब आने समय में यहाँ पे व्यापारी उनके जो मनमानी भाव है उसके तहत यहाँ पे बेचेंगे। तो इस वजह से जो देश में आंदोलन चला है, भारत बंद का जो अपील पूरे शेतकरियों ने, जो किसानों ने किया है, उसको हमारे फेयर प्राइस शॉपकीपर की ओर से हमारे जिलाध्यक्ष फेयर प्राइस शॉपकीपर्स के अशोक गढ़के साहब है, इनके नेतृत्व में हम आज नांदेड़ जिले में निवेदन दिए हैं कलेक्टर को। इस आंदोलन का हमारा समर्थन है और जब तक नरेंद्र मोदी ये जो कानून लाए हैं किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, शेतकरियों के खिलाफ, ये अगर पीछे नहीं लेते हैं तो हमारे फेयर प्राइस शॉपकीपर्स की वजह से ओर से ये शेतकरियों को हमेशा समर्थन रहेगा। और आने वाले समय में अगर ये कानून पीछे नहीं हटाया गया तो बहुत बड़े मात्रा में यहाँ टिकाने एक उद्रेक होगा यहाँ पे हमारे देश में। इसके वास्ते हमें बहुत बड़ा पांव उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा।